अस्पताल की लापरवाही से एक और मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठा। जी हाँ, आपको बता दें, ये पूरा मामला दिनेशपुर के एक प्राइवेट अस्पताल का है, जहां पर ऑपरेशन के दौरान एक विवाहिता की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को आश्वासन देकर शांत कराया। बाद में परिजनों ने थाने में जाकर डॉक्टर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब अमृत नगर नंबर 2 निवासी अपनी पत्नी को बच्चेदानी की तकलीफ की शिकायत पर नगर स्थित एक हॉस्पिटल में ले गया। परिजनों ने बताया कि वह 4 माह से गर्भवती थी। डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा पेट में दम तोड़ चुका था और तत्काल ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन के दौरान हालत बिगड़ते देख चिकित्सक देर रात को महिला को अपने निजी वाहन से काशीपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई। सुबह परिजन और ग्रामीण द्वारा महिला के शव को अस्पताल लेकर पहुंच गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 3 माह पहले ही अस्पताल की ऑपरेशन कक्ष को उधम सिंह नगर के डिप्टी सीएमओ ने सीज किया था, और सीज के बाद भी ऑपरेशन कक्ष का ताला कैसे खुल गया, ये सवाल देख ध्यान देने योग्य है। यहां पर जांच का विषय यह भी है कि बहरहाल सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई कर आश्वासन दिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अस्पताल संबंधित विभाग को जांच में भेजा जाएगा और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नहीं है ना, डॉक्टर को अगर नहीं हो सके उनसे तो डॉक्टर को वापस तो कर दे सकते थे कि तुम दूसरी जगह ले जाओ, हमसे नहीं होगा, करवा तो सकते थे ऐसे कि हमारे बच्चे तो जिंदा होते, हमारे साथ तो होते हमारे बच्चे। अब लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं ये बंद हो जाए, और छोटी सी बच्चे के लिए वो कर क्या कर सकते हैं वही बताओ। क्या लगा? ये अभी आप लोगों के सामने ही थाने में तहरीर आई है। तपन धरानी नामक व्यक्ति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उसकी वाइफ को कल भारत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया था, उसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उसको फर्दर ऑपरेशन के लिए काशीपुर ले जाया गया और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये बॉडी को लेके यहाँ आ गई है। अभी संबंध में क्योंकि हॉस्पिटल का मामला है, अभी हम जो तहरीर है उसके हिसाब से अभी हम डेड बॉडी का पंचनामा करा रहे हैं और सारी इसकी पूरी डिटेल्स रिपोर्ट जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है रुद्रपुर को उनको भेजी जाएगी। उनके द्वारा जांच करने के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी उस पर